आप देख रहे हैं अमेज नाउ। ओम गणपतये नमः, हर हर महादेव। श्रावण पक्ष का आज दूसरा सोमवार चल रहा है। मंदिरों में भारी भीड़ है। 25 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 के बीच ग्रह स्थिति इस प्रकार से है। सूर्य और बुध कर्क राशि में, शुक्र मिथुन राशि में, बृहस्पति देव मीन राशि में, शनि महाराज वक्री होकर के मकर राशि में, मंगल और राहु मेष राशि में अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में वृष राशि पे विराजमान रहेंगे। केतु महाराज तुला राशि में स्थित हैं। इस सप्ताह 28 तारीख को स्नान दान की अमावस्या मनाई जाएगी। 31 जुलाई को हरियाली तीज मनाया जाएगा। सुहागिन महिलाओं के लिए यह त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। महादेव और माता पार्वती के पुनः मिलन का यह त्योहार है, इसलिए इसका नाम हरियाली तीज दिया गया। महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं। अपने उत्तर भारत में इसको कजरी तीज बोलते हैं। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सेलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीता गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर बीटेक, बीफार्मा, एमफार्मा, एमबीए एंड पॉलिटेक्निक। नाउ आल्सो ऑफरिंग बीबीए, बीसीए एंड बीकॉम कोर्सेज। KIPM गीता गोरखपुर। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जाँचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013। ये शुरू करते हैं राशिफल। मेष, आपकी राशि में मंगल और राहु चल रहे हैं। वाद विवाद से बचें, वाणी पर संयम रखें, रक्त संबंधी और चर्म रोगों से सावधानी। मांगलिक या धार्मिक क्रियाकलाप में भाग ले सकते हैं। शिक्षार्थियों के लिए उत्तम समय वृष। भाई बहनों के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण योजनाएं बन सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय बरसात में होने वाले रोगों से सावधानी। नए वाहन के योग। मिथुन, यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही उत्तम साबित होने जा रहा है। आपकी राशि पर चंद्रमा और शुक्र दोनों विराजमान हैं। नए अनुबंध मिल सकते हैं, योग अच्छे बन रहे हैं, नए प्रेम प्रसंग के भी योग हैं। भूमि या फ्लैट के उत्तम योग बन रहे हैं। कर्क, आपकी राशि में बुध महाराज विराजमान है। माता के आशीर्वाद से कोई बड़े कार्य के संकेत। सास श्रृंगार में धन व्यय करेंगे। संतान पक्ष से थोड़ा तनाव मिल सकता है। सप्ताह के अंत में धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। सिंह, व्यर्थ की चिंताओं से बचें। दांतों के रोग से थोड़ी सावधानी रखें। किसी दूसरे के झगड़े में अनावश्यक आप ना पड़े। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। कन्या, नए सर्विस मिलने से मन उमंग में तरंग में रहेगा। नशे के सेवन से बचें। भूमि संपत्ति के लाभ। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। समुद्र के पास यात्रा होने का योग। आइए एक कालर को सुनते हैं। प्रणाम गुरुदेव, मैं अर्चना शुक्ला। इस वर्ष की जो जन्मतिथि है वो 25 जुलाई को रात 12:45 के बाद है, और इसलिए हम लोग 26 जुलाई 1972 लिखते हैं। कृपया हम दोनों की समस्याओं का निराकरण करें जी।
अर्चना शुक्ला जी ने बताया अपनी जन्म तिथि 25 और 26 जुलाई की मध्य रात्रि 1972-12:45 के बाद। आपका लगन वृष निकला, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के तृतीय चरण में आपका जन्म हुआ है। राशि आपकी मकर आ रही है। वर्तमान महादशा बृहस्पति में चंद्रमा 23 मार्च 2023 तक। आपने पूछा आपके बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। निश्चित तौर पे आपके बच्चों का भविष्य 23 मार्च 2024 के बाद बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा ध्यान रखें, स्वास्थ्य पे श्रावण चल रहा है, एक दूध से आप रुद्राभिषेक करा लें, एक लाजवर्त 7 से 8 रत्ती का दाएं हाथ की मध्यमा में दिन शनिवार को धारण करें, हरी कृपा। ये पुनः राशिफल तुला। आपकी राशि पर केतु का गोचर, कोई अप्रत्याशित कार्य में सफलता, भूमि या फ्लैट में निवेश कर सकते हैं, व्यर्थ की चिंताओं से बचें, थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। वृश्चिक, कुमारे लोगों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं, नौकरी में विस्तार के योग, साझेदारी में कार्य करने पर मन मुटाव हो सकता है, संकालु प्रवृत्ति से बचें। धनु, राजनीतिक क्षेत्र में विस्तार का योग, नए वाहन का योग, किसी अतिथि के आने पर मन पसंद रहेगा, आंखों के रोगों से थोड़ी सावधानी। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। आइए पुनः एक कॉलर को सुने। मेरा नाम शुभम सिंह, मैं सहजनवा का निवासी हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 26/7/1997, दिन सोमवार, हिंदी माह महीना सावन, रात्रि 1 बजे के आसपास। और मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मेरा आगे की भविष्य कैसी होगी और मैं जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। जी शुभम सिंह जी, आपने बताया आपने जन्म तिथि 26 जुलाई 1997 रात्रि को 1 बजे गोरखपुर, सहजनवा गोरखपुर। जी शुभम सिंह जी, आपका लगन निकला वृष, राशि आपकी आ रही है मीन, रेवती नक्षत्र के तृतीय चरण में आपका जन्म हुआ है। वर्तमान महादशा शुक्र का 2028 तक। आपने पूछा आपका भविष्य आगे कैसा रहेगा। निश्चित तौर पे 16 नवंबर 2022 के बाद आपका भविष्य और कैरियर संबंधी काफ़ी अच्छा होने जा रहा है। आप परीक्षाओं में या सर्विस के लिए उत्तम प्रयास करें। ज्योतिष उपाय में ओपल 10 से 12 रत्ती का दाएं हाथ की तर्जनी में चांदी में बनवा करके दिन शुक्रवार को धारण करें। सावन चल रहा है, आप गन्ने के रस से रुद्राभिषेक कराएं, हरी कृपा। आइए पुनः राशिफल मकर। भूमि के बाद विवाद से बचें, बातचीत से मामलों का निपटारा करें, मानसिक तनाव हो सकता है, व्यक्ति की चिंता आपको परेशान कर सकती है। सप्ताह के अंत में विजय मिलने से मन उत्साह भी रहेगा। संतान पक्ष से तनाव मिल सकता है। कुंभ, प्रेम संबंधों में सावधानी से रहें, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, धार्मिक संगीत में भी रुचि बढ़ेगी। भाई से वाद विवाद से बचें। भूमि के योग, कोई धन के क्षेत्र में विस्तार का योग,
मीन आपकी राशि पर बृहस्पति महाराज विराजमान है। कार्य क्षेत्र में उत्तम सफलता, शिक्षार्थियों के लिए उत्तम समय। कार्य क्षेत्र में आपके कोई शंका नहीं होनी चाहिए। नया अनुबंध आपके लिए हितकर रहेगा। बातचीत से मामलों को आप निपटारा करें। संतान पद से थोड़ा तनाव मिल सकता है। आज हम लोग नक्षत्रों पे पुनः वार्ता करेंगे। आज हम लोग चित्रा नक्षत्र के तृतीय और चतुर्थ चरण की बात करेंगे। चित्रा नक्षत्र 0 अंश से लेकर के 6 अंश 40 कला तक इनकी राशि तुला होती है। नक्षत्र का मालिक मंगल होता है, राशि का मालिक शुक्र होता है। अंग यकृत, हार्निया, अपेंडिक्स रोग, किडनी में सूजन, ब्लैडर में सूजन, बहुमूत्र रोग, पथरी रोग, मस्तिष्क ज्वर, कमर दर्द और लू। विशेषताएं महत्वाकांक्षी होते हैं, उच्च विचार, साहसी, दूरदृष्टि, हर कार्य सूझबूझ से करने वाला, आदर्श स्वभाव, विज्ञान प्रेमी, उत्तम रुचिकर भोजन करने वाला। व्यवसाय वकील, शल्य चिकित्सा, वैज्ञानिक, दार्शनिक, धर्म प्रधान व्यापार, सेना रक्षा विभाग में कार्यरत, उद्योग, व्यापारिक साझेदारी, ठेकेदार, मुद्रण, कलात्मक विज्ञापन, सजावट। विशेषताएं इत्र तेल पाउडर के थोक का निर्माता, संगीत एवं वाद्य यंत्रों का विक्रेता, तेल और पेट्रोल गैस इत्यादि का विक्रेता। गण इनका राक्षस होता है। रा और री अक्षर वाले इसके अंतर्गत आते हैं। राशि का मालिक शुक्र होता है और नक्षत्र का मालिक मंगल होता है। आप सभी लोगों को द्वितीय श्रावण की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम गंगणपतये नमः, हर हर महादेव। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई, लावा, टेक्नोमोटो, ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 9186877 4191008। आप देख रहे हैं अमेज़ नाउ।